Hello students, now some questions on vectors. First example, if modulus of A vector is equal to 3 and k lies between minus 2 and 1, then what can you say about modulus of k A vector? We know that modulus of k a vector is equal to modulus of k into modulus of a vector. A vector ka modulus 3 ke equal given hai, isliye ye 3 times of मॉड के हो जाएगा. अब के इज मोर देन आर इक्वल टू माइनस टू बट लेस देन आर इक्वल टू वन, देन मॉड ऑफ के. तो मॉड ऑफ के की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, इसलिए हम मॉड ऑफ के को कह सकते हैं दिस इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू टू. ठीक है, अब देखिए यहां पे जो के की वैल्यू है माइनस टू से लेकर जीरो और जीरो से वन के बीच में है. जब माइनस टू का आप मॉडुलस लोगे तो वो पॉजिटिव टू हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी मॉड ऑफ के की, इसलिए जीरो से टू के बीच में लाई करें. तो अब थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थ्री मॉड ऑफ के इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू सिक्स. और थ्री मॉड के किसके इक्वल है, ये के ए वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल है. तो मॉडुलस ऑफ के ए वेक्टर इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन आर इक्वल टू सिक्स. अब एक इसी तरह का एक सेकंड एग्जांपल, इफ वेक्टर इज टू आई माइनस टू जे प्लस के एंड लैम्डा लाइज बिटवीन माइनस फोर, लैम्डा इज मोर देन आर इक्वल टू माइनस फोर आर लेस देन आर इक्वल टू वन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए. तो कोई वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो आप जानते हैं कि इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. देयरफॉर ये गिवन वेक्टर जो है वो है टू आई माइनस टू जे प्लस के, 2i माइनस टू जे प्लस टू के, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. तो फोर प्लस फोर प्लस वन नाइन, रूट नाइन, और रूट नाइन की वैल्यू थ्री के इक्वल होती है, इसलिए मॉड ऑफ ए थ्री के इक्वल हो गया. देखिए लैम्डा ए वेक्टर मतलब वेक्टर ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर उसके बाद मॉडुलस लिया जा रहा है. तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए वेक्टर को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए. अब वेक्टर ए की वैल्यू थ्री के इक्वल आई है, इसलिए ये थ्राइस ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ लैम्डा हो जाएगा. लैम्डा इज मोर देन आर इक्वल टू माइनस फोर एंड लेस देन आर इक्वल टू वन, देयरफॉर मॉड ऑफ लैम्डा इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू फोर. ठीक है,
मतलब लैम्डा की वैल्यू माइनस फोर से वन के बीच में लाई कर रही है। अगर आप इसका मॉडुलस ले लोगे तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये जीरो से फोर के बीच में लाई करेगी। थ्री से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि आपको थ्री मॉड ऑफ लैम्डा निकालना है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये थ्राइस ऑफ मॉड लैम्डा इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू ट्वेल्व। तो थ्राइस ऑफ मॉड लैम्डा, ये लैम्डा एक एक पर है, तो लैम्डा ए का जो मॉडुलस है वो मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू ट्वेल्व। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, मॉड ऑफ लैम्डा ए, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू ट्वेल्व। एग्जाम्पल थ्री, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर माइनस टू आई प्लस जे माइनस फाइव के वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब कोई भी अगर वेक्टर है जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये वेक्टर ए मान लीजिए है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसमें जो आई जे और के कोफिशियंट्स हैं यही कोफिशियंट्स होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए आर ए बी सी, ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर इस डायरेक्शन रेशियो को आप डिवाइड कर दिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल हो जाएंगी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर के जो कोफिशियंट्स होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप वेक्टर ए को डिवाइड कर दीजिए इसके मॉडुलस से, तो ए कैप इज इक्वल टू होगा ए डिवाइडेड बाय ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एग्जाम्पल फोर, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस टू के। इस वेक्टर के डायरेक्शन में 15 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर आपको बताना है। तो जो गिवन वेक्टर है वो है वेक्टर ए आई माइनस टू जे प्लस टू के। अब इसी डायरेक्शन में बताना है तो इसके लिए आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिए, मॉड ऑफ ए होगा स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, नाइन के इक्वल होगा और नाइन की वैल्यू थ्री, तो इसका मैग्नीट्यूड थ्री के इक्वल आया। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए है आई माइनस टू जे प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड थ्री। तो ये गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसी डायरेक्शन में, मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है एक तरह से वो डायरेक्शन को शो करता है, तो इसी डायरेक्शन में आपको 15 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 15
टाइम्स ऑफ एक है, जो यूनिट वेक्टर आया है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ आई माइनस टू जे प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से कैंसिल होकर 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 आई माइनस 10 जे प्लस 10 के कैप, ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। एग्जाम्पल 5, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 132 एंड -108 रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लेन में दो पॉइंट्स दिए हैं पी और क्यू, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, तो पी क्यू वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में 11 यूनिट का एक वेक्टर आपको बताना है। तो ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट दिया है, इससे P और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप P, जो कि हो जाएगा OP वेक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं I प्लस 3J प्लस 2K। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो कि ओ क्यू वेक्टर होगा, और ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 0 के कैप प्लस 0 जे प्लस 8 के कैप। तो पी और क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स पता है, तो पी क्यू वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर पी वी ऑफ क्यू माइनस पी वी ऑफ पी। तो पी क्यू वेक्टर का पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, क्यू वेक्टर से पी को माइनस कर दीजिए, क्यू वेक्टर ये है माइनस आई प्लस 0 जे प्लस 8 के माइनस ओ पी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आई माइनस 3 जे माइनस 2 के कहे। ये आ गया पी क्यू वेक्टर माइनस टू आई माइनस 3 जे प्लस 6 के। अब पी क्यू वेक्टर के अपोजिट मीन्स पी क्यू के अपोजिट वेक्टर क्या होगा, क्यू पी होगा, तो क्यू पी वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ पी क्यू, तो ये हो जाएगा 2 आई प्लस 3 जे माइनस 6 के। तो क्यू पी वेक्टर के अलांग 11 मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर निकालना है, तो क्यू पी वेक्टर के अलांग आप यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर अलांग क्यू पी ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6 के कैप को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। टू आई प्लस 3 जे माइनस 6 के 4 प्लस 9 प्लस 36 क्या होगा, ये रूट 49। रूट 49 मीन्स 7 के इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 7। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया क्यू पी के अलांग। अब इसी के अलांग आपको 11 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज 11 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, तो 11 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 6 के कैप 5/7, ये हो जाएगा 1/7 22i 33 जे माइनस 66 के, यही रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। ठीक, तो हमने पहले पी क्यू वेक्टर निकाला, फिर क्यू पी के लांग वेक्टर चाहिए था पी क्यू के अपोजिट, तो क्यू पी के लांग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया और उस यूनिट वेक्टर को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल गया इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल 6, सो दैट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ये आपको शो करना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब कोई वेक्टर आपको ये गिवन है, ये ओ पी, ये वेक्टर गिवन है वेक्टर ए। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है, ये आपको शो करना है। मींस ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, तो आपको शो करना है कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल इक्वल है। तो इसके लिए हम ये शो कर सकते हैं कि अगर इनके डायरेक्शन कोसाइंस, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाए तो फिर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल लें इस गिवन वेक्टर का, तो सपोज वेक्टर ए इज आई प्लस जे प्लस के, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 1² + 1² + 1² √3। तो ए कैप आएगा 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। तो यहाँ पे i, j और k के जो कोफिशियंट हैं यही डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो कास अल्फा हो गया 1/√3, कास बीटा 1/√3 एंड कास गामा इज आल्सो 1/√3। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/√3 एंड गामा इज आल्सो इक्वल टू कास इनवर्स 1/√3। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो हमको यही शो करना था कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाते हैं, तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए गिवन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ एग्जांपल 7, फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विथ एक्स एक्सिस, π/2 विथ वाई एक्सिस एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ जेड एक्सिस। तो हमको एक ऐसा वेक्टर ए निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 के इक्वल है और यह वेक्टर एक्स एक्सिस से π/4 एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से π/2 और जेड एक्सिस से एक्यूट एंगल थीटा। तो अभी थीटा अननोन है, एक्स एक्सिस से यह वेक्टर π/4 एंगल बना रहा है, इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा निकाल सकते हैं इस वेक्टर ए के लिए। तो कास अल्फा को जनरली मतलब डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से शो करते हैं, तो एल की वैल्यू कास अल्फा होगी और कास अल्फा मींस कास π/4 और कास π/4 होगा 1/√2 के इक्वल, तो एल की ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन कोसाइन एम जो होगा एक्स वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है π/2, तो एम की वैल्यू होगी कास बीटा, तो कास ऑफ π/2, कास 90 जीरो के इक्वल होता है, इसलिए एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और एन होगा कास गामा और ये है, ये गामा हमको थीटा इक्वल दिया है, तो ये कास थीटा हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कास थीटा हो के इक्वल हो गई। देखिए डायरेक्शन कोसाइन में हमको एल पता है, एम पता है, लेकिन एन अभी अननोन है, एन की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है कि इनके स्क्वायर का सम मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसका सम जो है 1 के इक्वल होता है। तो इसमें जो एल एम एन की वैल्यू है वो पुट करके हम एन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
एल की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 - 1/2, 1/2, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के इक्वल। तो सभी डायरेक्शन कोसाइंस अब हमको पता चल गया, एल था 1/√2, एम 0 और एन 1/√2। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसके एलांग यूनिट वेक्टर ए कैप हो जाएगा कास अल्फा आई, मीन्स यही एल आई, कास बीटा जे एंड कास गामा के कैप। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में है, मीन्स ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के भी कह सकते हैं। एल एम एन की वैल्यू 1/√2i प्लस 0j प्लस 1/√2k के, ये यूनिट वेक्टर आ गया जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसके अलांग। देन वेक्टर ए इज, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5√2 है, तो 5√2a कैप हो जाएगा ये वेक्टर ए, ये 5√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए कैप को, तो ये हो जाएगा 5i प्लस 5k कैप, ये वेक्टर ए हो जाएगा।